मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने Osionfish. इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सिनेमाटोग्राफी एड़ की है डाना गा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्स कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डंडमैन ने अरफ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलन का करैक्टर निभाया है मैरिन डूनगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी से देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आई की बात की जाए तो आई पर इस मूवी को सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो so, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात तो की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानाइक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सरमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डंडमैन ने अरफ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले ते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो तो आज का मूवी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने, देखने, देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी एड़ की है डाना गा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ टी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने अरफ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में गिराट बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आई की बात की जाए तो आई पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा So, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीनलैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्सब्सक्रेप्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डैनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 रनिंग टाइम है इस मूवी का 119 मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्सक्रेप्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बैंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करेक्टर निभाया है मैरिन डुनगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड़ बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी के आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो तो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेबॉन ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सिनेमाइटोग्राफी एड़ की है डाना लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हजार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्स कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोहमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीन लैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी के आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो so, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात तो की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सरमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 रनिंग टाइम है इस मूवी का 119 मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्सक्रिप्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले ते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानाइक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने, देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी में सिनेमाटोग्राफी एड़ की है डाना गोंजालेस लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डंडमैन ने अरफ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीन लैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आई की बात की जाए तो आई पर इस मूवी को सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो so, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात तो की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्सक्रेप्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ टी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने अरॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी से देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में गिराट बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी के आई की बात की जाए तो आई पर इस मूवी को 6.4 पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर देते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीनलैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्सब्सक्रेप्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डैनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी एड़ की है डाना गोंजालेस लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटोन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्स कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बैंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का कैरेक्टर निभाया है मैरिन डुनगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड़ बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी के आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा So, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेबॉन ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डैनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आरटीएक्स फिल्म्स एक्स ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो रनिंग टाइम है इस मूवी का एक मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक सब्स कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्स कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोहमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी के आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो तो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने, देखने, देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सिनेमाइटोग्राफी एड़ की है डाना गा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्स कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड ने नेॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डुनगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी से देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आई की बात की जाए तो आई पर इस मूवी को सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो so, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानाइक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सरमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ टी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डंडमैन ने अरफ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले ते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो तो आज का मूवी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी एड़ की है डाना गा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ टी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने अरफ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा So, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप ओर डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीनलैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्सब्सक्रेप्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डैनमैन देन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 रनिंग टाइम है इस मूवी का 119 मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बैंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का कैरेक्टर निभाया है मैरिन डुनगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड़ बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी के आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो तो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेबॉन ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सिनेमाइटोग्राफी एड़ की है डाना गा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हजार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी के आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो so, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सरमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 रनिंग टाइम है इस मूवी का एक मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्सक्रिप्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डुनगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी से देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले ते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानाइक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी एड़ की है डाना गोंजालेस लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डंडमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीन लैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आई की बात की जाए तो आई पर इस मूवी को सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो so, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटोन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आरटीएक्स फिल्म्स एक्स ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 रनिंग टाइम है इस मूवी का 119 मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्सक्रेप्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ टी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने अरफ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवी से देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेल लर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीनलैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्सब्सक्रेप्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डैनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी एड़ की है डाना गोंजालेस लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटोन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्स कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बैंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का कैरेक्टर निभाया है मैरिन डुनगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में गिराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी के आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा So, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीनलैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेबॉन ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डैनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आरटीएक्स फिल्म्स एक्स ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का अठारह दिसंबर दो रनिंग टाइम है इस मूवी का एक मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक सब्स कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्स कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफ कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डनमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीन लैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोहमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो तो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीन लैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी ग्रीन लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानायक ने सेवास्टीन रेवॉर्ड ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डैनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सिनेमाटोग्राफी एड़ की है डाना गा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आर टी एक्स फिल्म ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 हज़ार बीस रनिंग टाइम है इस मूवी का एक सौ उन्नीस मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक सब्स कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक सब्स कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड ने नेॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नाथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजेस्टर थ्रिलर मूवी से देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आई की बात की जाए तो आई पर इस मूवी को सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो so, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज़ हुई ग्रीनलैंड मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें यह मूवी लॉकडाउन में 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रीन लैंड मूवी आप कहाँ पर देख सकोगे साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है एंड कितने बजट में ग्रीन लैंड मूवी को बनाया गया था और कितना वॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको ग्रीन लैंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू आपको मिलने वाला है आपको पता चलने वाला है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए सर नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में एंड बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमान वॉग ने राइटर की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी को लिखा है क्रिस स्पार्लिंग ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को गिराल बटलर ने वासिल एवानाइक ने सेवास्टीन रेबॉर्न ने इलान सैगल ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गिरार्ड बटलर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मोरिना वासरिन देखने, देखने को मिल जाते हैं रॉगर डेल फ्लॉयड देखने को मिल जाते हैं स्कॉट ग्लैन देखने को मिल जाते हैं डेविड डेनमैन देखने को मिल जाते हैं होप डेविस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो ग्रीनलैंड मूवी में सरमाइटोग्राफी की है डाना गन्जा लेस ने एंड एडिट किया है इस मूवी को गैब्रियल फ्लैमिंग ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का डेविड बकले ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के एंटॉन थंडर रोड जी वेस फिल्म प्रोडक्शंस रिवर स्टोन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को आरटीएक्स फिल्म्स एक्स ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 18 दिसंबर 2020 रनिंग टाइम है इस मूवी का 119 मिनट एंड इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है बजट की बात की जाए वॉक कलेक्शन की बात की जाए तो ग्रीन लैंड मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक कलेक्शन 52.3 मिलियन डॉलर का रहा था कम रहा था क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी अच्छा रहा था लेकिन इस मूवी का रिस्पांस ओ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसके आगे बात की जाए कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में गेराड बटलर ने जोहन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है मोरेना बाकारिन ने एलिसन गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है डेविड डंडमैन ने रॉल्फ बेंटो का कैरेक्टर निभाया है होप डेविस ने जूडी बेंटो का कैरेक्टर निभाया है रॉगर डेल फ्लॉयड ने नथान गैरिटी का कैरेक्टर निभाया है एंड्रयू बैचलर ने कॉलिन का करैक्टर निभाया है मैरिन डगे ने मेजर ब्रीन का करैक्टर निभाया है हॉल्ट एमजी कैलनी ने ट्विन ऑटर पायलट का करैक्टर निभाया है स्कॉट ग्लैन ने डेल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह जिस मूवी की टीम के बारे में बात हो गई कास्ट के बारे में बात हो गई है उसके आगे बात कर लेते हैं जॉनर की तो ग्रीनलैंड मूवी एक डाइजास्टर थ्रिलर मूवी है काफ़ी आपको पसंद आने वाली है अगर आपको डाइजास्टर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से रिक रोमान वॉग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को पूरी टीम ने ही बनाया है एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ग्रीनलैंड मूवी में लीडिंग रोल में किराड बटलर की काफ़ी अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिल जाएगी को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आने वाली है ग्रीन लैंड मूवी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड मूवी की आईएमडीबी की बात की जाए तो आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है अच्छी रेटिंग हो जाती है एवरेज रेटिंग है एंड इस मूवी का आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको इस मूवी का ट्रेलर मिल जाएगा ट्रेलर जरूर से देख लेना ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ इस मूवी के बारे में पता चल जाएगा सो बात कर ले ते हैं कि कहाँ पर आपको ग्रीन लैंड मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और डी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो एच वी एम एक्स पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो सो तो आज का मूवी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना